वेलकम टू श्रीजी फूड। आज हम बनाएंगे लेफ्ट ओवर ब्रेड में से एक रेसिपी। जनरली जब भी हम सैंडविच बनाते हैं तो उसकी किनारे जो निकलती है वो हम फेंक देते हैं, तो उसी किनारों का आज हम यूज करके एक टेस्टी और बहुत ही बढ़िया रेसिपी तैयार करेंगे, जो इजी तो है साथ में टेस्टी भी है और खास करके बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए इसे किस तरह से बनाना है वो देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम का जो ब्रेड का पैकेट आता है वो मैंने लिया था सैंडविच बनाने के लिए, और उसकी किनारे मैंने अलग करके साइड में रख दी थी, और उसी के साथ में जो ऊपर का और नीचे का जो ब्रेड होता है वो भी हम सैंडविच में यूज नहीं करते, तो वो हम इस रेसिपी में यूज कर लेंगे, तो उसके टुकड़े कर ले। अभी मैंने गेहूं का ब्रेड लिया है, आप चाहे तो मैदे का भी ले सकते हैं, लेकिन गेहूं का ज्यादा हेल्दी होता है। मिक्सर जार ले ले और उसमें ब्रेड ऐड करें, इसका एक चूरा जैसा बना लेना है। अगर आप ब्रेड नहीं खाते तो पोहा भी एक कप इसमें ले सकते हैं। तो ब्रेड का चूरा बनकर रेडी है। साथ ही में मैंने वेजिटेबल में गाजर, कैप्सिकम और कैबेज लिया है, जिसे मैं कद्दूकस कर लूंगी। आप चाहे तो चिली कटर में या फूड प्रोसेसर में भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। अभी मैं इसे कद्दूकस करके यूज कर रही हूँ। साथ ही में मैंने उबले हुए मटर लिए हैं अराउंड 3 टेबलस्पून जितने। तो सबसे पहले अब एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे या कोई भी बड़ा बर्तन ले ले, जो ब्रेड हमने चूरा बना के रेडी की है वो ऐड करेंगे। आपने अगर पोहा लिया है तो वो भी इसमें ऐड कर दे। इसी तरह से जो वेजिटेबल रेडी करके रखे हैं वो ऐड करेंगे। आप इसी के साथ स्वीट कॉर्न ऐड कर सकते हैं, और अगर आप प्याज ऐड करना चाहे तो इतनी क्वांटिटी में एक मीडियम साइज का प्याज भी कद्दूकस करके ऐड कर सकते हैं। धनिया ऐड करें, बच्चे धनिया नहीं खाना पसंद करते तो ऐसी रेसिपी में आप मैक्सिमम यूज कर सकते हैं धनिए का। 2 उबले हुए आलू को हमें मैश करके ऐड करना है। जो जैन है वो कच्चा केला ले सकते हैं और गाजर स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड करेंगे, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो नींबू का रस भी ले सकते हैं। नमक ऐड करें स्वाद अनुसार। 1/2 टीस्पून जितना चाट मसाला ऐड करेंगे। बहुत ही कम मसाले इसमें यूज होते हैं लेकिन रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। इसमें ब्रेड है और आलू है तो इसे अच्छी तरह से बाइंडिंग मिल जाता है। इसमें कुछ भी आपको मैदा, कॉर्नफ्लोर कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। आप अदरक और लहसुन ऐड करना चाहे तो भी कर सकते हैं। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है तो हाथ मैंने वॉश कर लिए है। अब हाथ में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, हाथों को ग्रीस कर लेना है हमें। अब इसमें से कबाब बनाएंगे। आप चाहे तो इसके बॉल्स बना सकते हैं या स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं या कटलेट का शेप भी इसे दे सकते हैं। मैं अभी इस तरह से कबाब बना लूंगी। तो इतने मेजरमेंट से अभी मैंने 11 कबाब बना के रेडी किए हैं। अब इसे फ्राई करते हैं। तो मैंने ऑयल पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था जो गर्म हो चुका है, तो गैस लो कर देंगे और कबाब इसमें ऐड कर देंगे। कबाब ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर दे। कभी भी इसे स्लो गैस पे फ्राई ना करें, नहीं तो इसमें ऑयल आ जाता है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करें और थोड़ी थोड़ी देर में इसे पलटाते रहे ताकि सभी साइड से इसका इवन कलर हो और क्रिस्पी हो। जब ये कम्प्लीटली फ्राई हो जाएगा तो इस तरह से ये पूरा ऊपर आ जाएगा और आप देख सकते हैं ये क्रिस्पी भी हो चुका है। तो मैक्सिमम तेल इसका इस तरह से निकाल ले, फिर इसे टिश्यू पेपर पे निकाल ले ताकि बिल्कुल भी ऑयल ना रहे। कबाब रेडी है, इसे सर्व करते हैं। तो अब हमारी लेफ्ट ओवर ब्रेड में से बनाई हुई रेसिपी ब्रेड कबाब सर्विंग के लिए रेडी है। अभी मैंने इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो ऐसे भी इसे खाने के यूज में ले सकते हैं। तो एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा।